स्क्रीन सर, एडी गन ही उनका था जो कि हमारे वन एच जो ये नेशनल हाईवे वन है उसके ऊपर फायर किया था। अप्रोक्स टाइमिंग था उसमें पाँच बजे उन्होंने हमारा एक वन टन, उस समय ढाई टन है उसमें वन टन हुआ करता था और हमारा वन टन उड़ा दिया जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। तो उस समय फोर्ट जाट के अंडर में था, एडी के होते हुए फोर्ट जाट के अंडर में था और मेजर राजेश सेठी साहब जो प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट जनरल सॉरी मेजर जनरल हैं, तो उन्होंने आदेश दिया, बोला कि वीपी सिंह आप इसके ऊपर जो हमारे जवान शहीद हो गए फायर करो। मैं बोला कि साहब आज तक इतिहास में इससे पहले कभी हुआ नहीं है, मैं कैसे करूं? वो बोले कि करके देखो। तो मैं बोला सर मैं कोर्स क्वालिफाइड हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी है, आज तक तो हुआ नहीं है और मुझे कोर्स में भी या ट्रेनिंग में भी नहीं बताया गया। बोला फिर बोले कि करके तो देखो यार। फिर हम तीन, मैं डेट के अंदर तीन बंदे थे, तीन बंदे आपस में विचार किया, बोले यार करके देखते हैं। जो मेरे से जूनियर था वो बोला कि जो मेरे ट्रेड का था, बोला आज तक कभी इतिहास में हुआ जो कि आप मिसाइल को ग्राउंड में फायर करोगे? मतलब यार न्यूटन्स भी तो था जो कि वो कभी वो गार्डन बैठा हुआ था, वो कभी सोचा कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा? तो वो भी आपके पास कौन सा वेपन था, इग्ला का कौन सा वेरिएंट था? इग्ला वन एम था। और उसके बाद विचार किया, फिर कंधे पर उठाया, मैंने जीपीसीएस का टाइम 30 सेकंड होता है, कंधे पर उठाया मैं और निशाना लिया। तो उनकी तीन बंकर, उनका तीन पोस्ट है कंटिन्यू एडी गन का, उनका पाकिस्तान का नुसरत एक्सटेंशन, नुसरत और बंकर रीज, ठीक उनके सामने हमारा माता पोस्ट आता है। तो जहाँ पर आदेश मिला था कि भाई नुसरत के ऊपर फायर हो रहा है, मैंने निशाना लिया, उसे 30 सेकंड लाइफ था वो, तो मेरे जवान ने बोला कि मरुन कर क्या रहे हो? और मेरा उसमें जो धड़कन बढ़ रही थी कि सामने दुश्मन है, मेरा दिल में तो मैं निशाना रखा, वो भी तो मेरा निशाना ले रखा होगा, लेकिन डर नहीं था, लेकिन दिल में तो भयभीत होता। और दूसरा था कि लाइफ नहीं है, टारगेट नहीं मिल रहा है, मेन था कि टारगेट नहीं मिल रहा है। अब पहली बार जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ, इतिहास में पहली बार करने जा रहा हूँ, सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन उसी समय नुसरत एक्सटेंशन से उनका गन फायर किया, बैड लक उनका हुआ, उसी समय फायर किया और मैंने एंगल डाउन किया थोड़ा सा एलिवेशन मिसाइल का, क्योंकि शोल्डर फायर है, थोड़ा सा एलिवेशन डाउन किया। एलिवेशन जैसे डाउन किया, लाइट ग्रीन, इसमें खासियत है कि जब तक ग्रीन लाइट ग्लो नहीं होगी मिसाइल नहीं निकलेगा। ग्रीन लाइट ग्लो ही, मेरे दिल से आवाज़ निकली बेटा तो निकलेगा, तो और चंद माइक्रोसेकंड के अंदर मिसाइल जैसे निकला और सीधे बंकर के ऊपर गया और उनकी धज्जियाँ उड़ा दिया। और तकरीबन अब कितने होंगे नहीं, लेकिन जो बॉडी सामने था इसलिए नजर आ रहा था कि उनकी बॉडियां जो है सो हवा में जंप कर रहे थे। क्या इतना कारगर हथियार था इग्ला, इतना ज्यादा तबाही मचाता था? क्योंकि एयर डिफेंस में इस्तेमाल होता है छोटा हथियार, ये टर्मिनल एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जब वो फटता है तो 290 टुकड़े होते हैं मिसाइल का, 290 टुकड़े होता है, और जब वो 290 टुकड़े होते हैं तो उसका एक टुकड़े का स्पीड होता है 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलता है। तो वहां पर जितने भी बारूदें थी उसमें सब में लगा, जब एडी गन है तो वहां तो बारूद तो हो गई और भी अमनेशन था, पूरे अमनेशन लग गया, उसके बाद उनकी धज्जियां उड़ गई। तो बाद में लोगों ने आपसे कहा कि आपने इग्ला मिसाइल को पहली बार इस तरह से इस्तेमाल हुआ, लोगों ने आपकी तारीफें की? जी, बड़ी बड़ी अधिकारी आए, लेफ्टिनेंट जनरल तक आए, वहाँ पर तक सबने मिला, बोला कि बस यही था कि हमने पहली बार किया, एडी का नाम ऊंचा हुआ, क्योंकि आपस में चलती थी कि एडी क्या किया, एडी में क्या किया, आज तक नहीं एडी किया। लेकिन जब ये कामयाबी हासिल हुई कि एडी ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया और कारनामा करके दिखाया, वो भी कौन सा कारनामा जो कि पहली बार हुआ, जो कि जमीन से हवा मर मर मार करने वाली मिसाइल पहली बार जमीन से जमीन मार किया। बहुत बहुत धन्यवाद।